आज के इस छोटे से वीडियो में आपको हम दिखाएंगे लखनऊ की बेस्ट कुल्फी, सबसे आइकॉनिक कुल्फी लखनऊ की। इसके बारे में मैंने सुना कि पहले इसमें टीवी पर ऐड भी आता था। मेरे को पता चला कि प्रकाश कुल्फी और दयाल कुल्फी दोनों के बारे में कि दोनों भाई भाई हैं और दोनों का रेट सेम है। तो मैं लखनऊ पहुंचा, लखनऊ में दो कॉलेज कैंपसेस के वीडियो बनाए और उसके बाद सीधा पहुंचा अमीनाबाद की प्रकाश कुल्फी। इस वीडियो पे एंड तक बने रहना और अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हो, और कोई ज़्यादा गाली वाली देनी हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को आकर दे सकते हो। मेरा नाम है वेदांत, मैं रहता हूँ कानपुर में, फ़िलहाल पढ़ता हूँ बरेली में और आप लोगों के लिए 300 से ज़्यादा व्लॉग्स बना चुका हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा। लखनऊ के कोई अच्छे ज़्यादा फूड पॉइंट्स पता हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट में बताएं, ताकि अगली बार लखनऊ ट्रिप में हम उसको भी कवर करें। और इससे पहले हम चारबाग में हनुमान मंदिर के बगल की कचौड़ियाँ और लस्सी भी कवर कर चुके हैं। हम बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे इस शाम को, जिसकी वजह से लखनऊ में जो रास्ता 10 मिनट में तय किया जा सकता था उसको तय करने में हमको लगभग 40 मिनट लगे। और हाँ, 40 मिनट लखनऊ के साथ ज़्यादा बिताने में लखनऊ की तहजीब और ज़्यादा गहराई से जानने को मिली। इसके बाद मैं आपको बताऊँ, कानपुर का भौकाल और लखनऊ की तहजीब दोनों को एक साथ महसूस करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, कमेंट में और लाइक में अपना प्यार दिखा सकते हो। ये कौन सा चौराहा है और वो कहाँ पर है? पेड़ के बगल में कुल्फी वाला। तो बस कुछ ही मिनट में पहुंच रहे हैं। नेत्रराम अजय कुमार, पूरी सब्जी है, मधुरिमा सिंस 1825। लेकिन जो अपन को चाहिए वो कहाँ है दोस्त? प्रकाश कुल्फी कहाँ पर है? तो इस चौराहे से इस तरफ है कहीं पर, अभी इन वाले भैया ने बताया। यहाँ द्विवेदी साड़ी संसार, उसके बगल में द्विवेदी वस्त्रम, फिर द्विवेदी साड़ी, तीन तीन द्विवेदी, बहुत सही द्विवेदी का भकाल। इस चौराहे के आसपास है कहीं, अब इस चौराहे के आसपास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें कि कहाँ है अपना प्रकाश की मशहूर कुल्फी, किसे पूछना पड़ेगा। क्यों भैया, प्रकाश की मशहूर कुल्फी कहाँ मिलती है? अगले चौराहे पे, बहुत दूर है क्या? तो चौराहे पे चौराहा पार करते जा रहे हैं, मिल गया, ये है प्रकाश की मशहूर कुल्फी। वी हैव ऑलमोस्ट रीच दैट प्रकाश की मशहूर कुल्फी। आते आते शक्ल काली हो गई है एकदम, लेकिन कोई बात नहीं यार, सह लेंगे, भीड़ अभी से दिख रही है थोड़ी बहुत। ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उस पर आएगा। कब? अब आ जाएगा, जब डाल देंगे, जब जब मन होगा तब कर देंगे, अभी बहुत सारे चीज़ें बाकी हैं ना। अब कुछ बताओगे प्रकाश कुल्फी के बारे में? आप बताओ, प्रकाश कुल्फी खाते नहीं, क्या बताएगा, अभी खाई नहीं हमने आज तक, 25 साल हो गए। जब आप बगल में रहते हैं तब? बड़ी बेकार प्रकाश होती है, बिना खाए कैसे बता दिया? लोग देखते हैं ना, यहाँ 25 साल रहे थे। अच्छा, दयाल वाली बढ़िया है, दयाल वाली। दयाल वाली कहाँ है? नंबर ही बोलते हैं बगल में। दोनों ट्राई करेंगे, दयाल और प्रकाश। हाँ, किसकी? एक है दयाल की कुल्फी और उसके बगल में है प्रकाश की कुल्फी। भैया मैं कानपुर से आया हूँ आपकी कुल्फी ट्राई करने और इसका एक वीडियो बनाने। मेरा नाम विनोद पाल है सर, मैं यहाँ 5-7 साल से काम कर रहा हूँ, और ये प्रकाश कुल्फी जो है 1956 से चालू हुई है और लगभग 65 साल हो गए।
और एक ही फ्लेवर होता है हम लोगों का, केसरिया बादाम पिस्ता। समर में और भी बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, मैंगो, बटर स्कॉच, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, और वो ब्रांचों में अवेलेबल। हमारी और भी ब्रांचें हैं, और जैसे गोमती नगर है चौक, अमीनाबाद ही अपना पुराना है, और एक आलमबाग शॉप। टोटल कितनी ब्रांचेस? टोटल चार हो गई है लखनऊ में, ये इसको मिला के अपना पुरानी है, बाकी तीनों ब्रांच और हो गई। प्राइस भी बताइए और टाइमिंग बताइए। प्राइस 75 का हाफ है और 150 का फुल रहता है। टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात 11:30-12 भी बच जाता है, हम लोगों का 12 भी टाइम हो जाता है। गर्मियों में अप्रैल मई के महीनों में और भी टाइम होता है, 12-1 बजे तक शॉप खुली रहती है, लेकिन जनरली जो टाइमिंग है वो 11:30 की। और मैं कानपुर से हूँ, कानपुर में आपने ठग्गू के लड्डू सुना है? सुने जरूर है। और उसके एक है बदनाम कुल्फी, उन्हीं की कभी खाई है आपने? वो कानपुर के लोगों की जान है और ये लखनऊ के लोगों की जान है, आपकी जो प्रकाश है। हाँ, तो आज मैंने वो भी ट्राई किया और अब मैं ये भी ट्राई करने वाला हूँ, फिर मैं बताऊँगा कौन सी ज़्यादा बढ़िया है। बिल्कुल, आप ज़रूर ट्राई करिए सर, आप ट्राई करेंगे, आपको आप ट्राई करें उसके बाद देखिएगा कि हमारे स्वाद में क्या है, क्योंकि देसी तरीके से ही बनाते हैं हम लोग, पूरा वही पुराना फार्मूला रहता है सारा। भट्टी में दूध पकना, 3-4 घंटे भट्टी में दूध पकना, 2-3 घंटे मटके में डाल के उसको हिलाना, जमाना, उसके बाद फिर आके यहाँ तैयार होती है। ओनर का क्या नाम है? ओनर का नाम है हर्ष अरोड़ा। हर्ष जी, हर्ष अरोड़ा मशहूर कुल्फी के नाम से चल रही है। प्रकाश जी थे फाउंडर, उन्होंने ही इसको चालू किया था, वो जिन्होंने ही किया। तो अब तीसरी पीढ़ी चढ़ा रही है? जी 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 सर, एक हाफ लगवा दीजिए। ये क्या है? ऊपर निकल रहा है। तो गाइस देखो, ऐसा है कि ठग्गू की जो कुल्फी है कानपुर वाली, उसमें फालूदा वाला कोई सिस्टम होता नहीं है, ठीक है। और इसमें फालूदा भी अच्छे से है, बहुत मस्त लग रही देखने में, तो खाने में देखते हैं। स्वाद है इसका, 75 लायक है। लखनऊ में रहते हो या कानपुर में रहते हो, आगे ट्राई करना अभी आना लखनऊ। तो अब आपको पास से भी दिखा दें वरना बुरा मान जाओगे। कुल्फी वो एक नंबर, मज़ा आ गया। चलते हैं, अब पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने में मज़ा आएगा। 75 ये लीजिए भैया, कार्ड लीजिए, थैंक यू। प्रकाश से निकल के अब सीधा चलते हैं बगल ही में दयाल, ट्राई कर लें भाई। वो भी अब आए हैं लखनऊ बार बार, तो आने को मिलेगा नहीं, तो फिर कहाँ है दयाल। चलो आज चलते हैं दयाल कुल्फी। हटना भैया तू, एक हाफ यहाँ पर लगवाते हैं। 33 इयर्स ओल्ड शॉप है, 10-11।
यहाँ पे करीना भी आई है क्या? प्रकाश की प्लेट थोड़ी बड़ी थी उनसे कंपैरिजन में। मेरा मानना है कि पूरी चीज़ें को सही से टेस्ट करके ही किसी एक को बेस्ट या वर्स्ट बताना चाहिए ना, तो इसलिए अपन आए हैं प्रकाश के बाद दयाल में भी, और टेस्ट बिल्कुल इक्विवेलेंट है। सिमिलर, इसमें बादाम निकला बहुत सही, उसमें बादाम नहीं निकला था ना। और दोस्त क्या नाम है तुम्हारा? अंशु। लखनऊ में तो ये 75 वहाँ और 75 यहाँ। इस ब्लॉक के अपन 150 रुपया लेगा, 75 और 75 ये लेगा। ऐसे हम देते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे मोबाइल पे आता है, यूट्यूब होता है उसमें पैसे काट लिए। नहीं नहीं, फ्री का नहीं खाते। क्यों भैया, लखनऊ स्टेशन किधर से जाएंगे? लखनऊ स्टेशन इस तरफ, कितनी दूर है? तो ये हैं दोनों भाई भाई, दयाल एंड प्रकाश। भाई भाई तो नहीं, लेकिन अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी। बढ़िया थी, दोनों की कुल्फी अच्छी थी। आओ ट्राई करो, अपना वर्डिक्ट खुद चूज़ करो। मुझे दोनों की एक नंबर लगी। अपन अमीनाबाद में जाते हैं। अपने कुछ बताओ, आप कब से लगा रहे हो, कहाँ कहाँ लगाते हो, कितने रुपए का है और क्या क्या क्वालिटी है? क्या है? 10 रुपए का है। 10 रुपए का? हाँ, 10 रुपए का है। और कितने बजे से कितने बजे तक लगाते हो और कहाँ लगाते हो? 2 बजे से 3 बजे तक। कहाँ पर लगाते हो? कहाँ पर हैं? कहाँ पर लगाते हो? मैं घूमते रहते दिन भर हम, मतलब कहाँ से कहाँ तक? गोबर जाले से वहाँ जगत सलीमा तक। जगत सलीमा तक? हाँ। 10 रुपए में क्या क्या है? 10 रुपए सस्ता, नीचे सब्जी है। डस्टबिन की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर कहीं। प्रयाग वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि वहाँ का हर शॉपकीपर रखता है डस्टबिन। यहाँ पर हमको अभी तक कहीं दिखा नहीं है, दूर दूर तक डस्टबिन, कहीं दिख जाए तो फेंक दें। डस्टबिन मिल गया है, बहुत दूर मिला। पकड़ ले गया। अब शुरू करिए, अपने नाम से शुरू करिए। पेस्ट्री वॉज ऑसम, टेस्टी कह रहे हैं। अंकल मैं कानपुर से आया हूँ आपकी कुल्फी टेस्ट करने और इसका एक वीडियो बनाने। थैंक यू। आपके में यूट्यूब है? लाइए हम खोल लें। चार्जर डाई, ये चैनल है, इस पर कुछ आ जाएगी कल एक दो हफ्ते बाद। इसमें मैं लगभग 378 वीडियो डाल चुका हूँ। हाँ, ये मैं आई हूँ, मेरे ही चैनल है, और 2 हफ्ते बाद ये वाली भी आ जाएगी। ठीक है, नमस्ते।